यूनिट सेल हम लोग देखते हैं एन के साथ यूनिट सेल क्रिस्टल लैटिस का स्मॉलेस्ट थ्री यूनिट है जिसको बार बार रिपीट करने से इंटायर लैटिस स्ट्रक्चर प्राप्त होता है यूनिट सेल में तीन एंगल्स अल्फा बीटा गामा और तीन साइड्स लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ये तीनों हैं इसके बेसिस पर जियोमेट्री बनेगा और कंसियंस पार्टिकल्स प्रजेंट के बेसिस पर पार्टिकल्स प्रजेंट के बेसिस पर टाइप्स ऑफ यूनिट सेल बनेगा प्रीमेटिव सेंटर्ड बॉडी सेंटर्ड फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड तो हम लोग यूनिट सेल को देखते हैं एनसीईआरटी के अनुसार यूनिट सेल <coughs> यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्सन ऑफ लैटिस कम शब्द में सटीक यूनिट सेल इज़ द स्मॉलेस्ट पोर्सन ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस यूनिट सेल क्या है क्रिस्टल लैटिस का सबसे छोटा यूनिट है विच वेन रिपीटेड वो कौन सा छोटा यूनिट जिसको बार बार रिपीट करते हैं दोहराते हैं इन डिफरेंट डायरेक्शंस अलग अलग डायरेक्शंस में जेनरेट्स बनाता है द इंटायर लैटिस पूरा लैटिस को बनाता है जो पूरा लैटिस बनाने वाला है थ्री डी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट उसको बोलेंगे यूनिट सेल Means, सबसे छोटा पार्ट लैटिस स्ट्रक्चर से जो काट के निकालते हैं जिसको बार बार रिपीट करने से पूरा का पूरा लैटिस स्ट्रक्चर प्राप्त होता है उसको क्या बोलेंगे यूनिट सेल बोलेंगे यूनिट सेल का क्या कैरेक्टिस्टिक्स होगा यूनिट सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स इट्स डाइमेंशंस एलोंग थ्री एजेज ए बी एंड सी दीज ईजेज मे और मे नॉट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो इसके तीन साइड्स होंगे ए बी सी लेंथ लेथ हाइट ये परपेंडिकुलर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है परपेंडिकुलर होगा तो क्यूबिक होगा जिटागोनल तो होगा ऑर्थोरॉम्बिक होगा तो इस तरह से ज्योमेट्रिकल टाइप भी सी बेसिस बनता है तो इसका क्या है साइड एक दूसरे परपेंडिकुलर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ये उसका कैरेट्रिस्टिक्स है और ये कहाँ से निकला है लैटेस्ट स्ट्रक्चर से और इसके रिपीट करने से क्या प्राप्त होता है स्ट्रक्चर एंगल्स बिटवीन द एजेस अब इसके बीच के एंगल्स जो है एज के बीच के बी और सी के बीच में अल्फा बी और सी के बीच का एंगल क्या है अल्फा है बिटवीन ए एंड सी गामा बिटवीन ए एंड बी गामा सॉरी बिटवीन बी एंड सी अल्फा बिटवीन ए एंड सी बीटा एंड बिटवीन ए एंड बी गामा तीन एंगल है अल्फा बीटा और गामा अल्फा बीटा और गामा ये कैरेटिस्टिक्स हैं जो नाइन्टी डिग्री हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है दस अ यूनिट सेल कैटराइज बाय सिक्स पैरामीटर्स व्हाट आर दोज ए बी सी लेंथ एंड अल्फा बीटा गामा तीन एंगल्स दीज पैरामीटर्स ऑफ टिपिकल यूनिट सेल्स आर सोन इन फिगर वन पॉइंट सिक्स इसमें दिखाया गया ये ए ये बी और ये सी तीन साइड हो गया बी और सी के बीच का एंगल अल्फा सी और ए के बीच का बीटा और ए और बी के बीच का गामा तो तीन एंगल हो गए तीन एंगल्स और तीन साइड्स से यूनिट सेल को कैटराइज करता है और इसके जियोमेट्री को डिनोट डिनोट करता है जिससे हम लोग को सेवन टाइप्स का यूनिट सेल प्राप्त होता है क्यूबिक टेट्रागोनल ऑर्थोराम्बिक हेक्सागोनल रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल मोनोक्लिनिक एंड ट्राईक्निक अभी हम लोग कॉन्स्टिस्ट पार्टिकल्स के बेसिस पर कहाँ प्रेजेंट रहेगा उसके बेसिस पर यूनिट सेल का टाइप्स हम लोग देखते हैं तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट एन के अनुसार यूनिट सेल्स कैन ब्रॉडली डिवाइडेड इन टू टू कैटेगरीज यूनिट सेल्स को दो बड़े बड़े भाग में बांट सकते हैं प्रीमिटिव एंड सेंटर्ड यूनिट सेल प्रीमीटिव एंड सेंटर्ड यूनिट सेल प्रीमिटिव किसको कहेंगे एकदम सरल भाषा में समझिए छोटे शब्दों में वेन कॉन्स्टियंस पार्टिकल्स आर प्रजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर पोजिशंस ऑफ यूनिट सेल इट इज कॉल्ड प्रिमिटिव यूनिट सेल जब कॉन्सियंस पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर प्रेजेंट होगा तो उसको क्या बोलेंगे प्रिमिटिव यूनिट बोलेंगे

कॉर्नर्स के अलावा अलग भी अगर प्रजेंट होगा इट इज कॉल्ड ए सेंटर्ड यूनिट सेल इसको सेंटर्ड यूनिट सेल कहेंगे जैसे बॉडी सेंटर फेस सेंटर इन सेंटर बॉडी सेंडर में कॉर्नर के अलावा बॉडी में भी प्रेजेंट रहता है कॉर्नर के अलावा फेस पर प्रेजेंट होगा फेस सेंटर कॉर्नर के अलावा दो अपोजिट फेस पर प्रेजेंट होगा इन सेंटर यूनिट सेल होगा तो क्या कहा कि व्हेन यूनिट सेल कंटेंस वन और मोर कॉन्स्टिचुएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट एट पोजिशंस अदर देन कॉर्नर्स ंग विथ कॉर्नर अलग भी प्रजेंट रहे इन एडिशन टू दोनर पर तो होगा ही होगा कॉर्नर के अलावा अगर कहीं और प्रजेंट है तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे सेंटर्ड यूनिट सेल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। सेंटर्ड यूनिट सेल तीन टाइप का है कौन कौन बडी सेंटर्ड यूनिट सेल फेस सेंटर्ड यूनिट सेल एंड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल बडी सेंटर यूनिट सेल किस कहेंगे

एट इट्स बडी से बडी सेंटर बिसाइड्स द वन दैट आर इट्स कॉर्नर्स कॉर्नर के अलावा बॉडी में भी प्रेजेंट रहेगा कॉर्नर के साथ साथ बॉडी में भी प्रेजेंट रहेगा तो उसको बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल फेस सेंटर्ड यूनिट सेल सच अ यूनिट सेल कंटेंस वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रजेंट एट द सेंटर्स ऑफ ईच फेसेस सिक्स फेसेस होते हैं सभी फेस पर एक एक पार्टिकल्स प्रजेंट होगा ईच फेसेस बिसाइड्स द वंस दैट आर एट इट्स कॉर्नर्स जो कॉर्नर्स पे हैं, उसके अलावा कहाँ प्रजेंट होगा सभी फेस पर भी प्रेजेंट होगा तब उसको क्या बोलेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल इंड सेंटर्ड यूनिट सेल क्या कहा लागा? इन सच यूनिट सेल वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज प्रजेंट एट द सेंटर ऑफ एनी टू अपोजिट फेसेस सभी फेस पर नहीं केवल दो अपोजिट फेस पर बिसाइड्स द वंस प्रजेंट एट इट्स कॉर्नर कॉर्नर पर तो प्रेजेंट तो होगा ही लेकिन दो अपोजिट फेस पर प्रेजेंट होगा तो उसको इन सेंटर यूनिट सेल कहेंगे इस तरह से हम लोग को टोटल चार यूनिट सेल मिला प्रिमिट यूनिट सेल सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट होगा बॉडी सेंटर यूनिट सेल बॉडी के साथ साथ कॉर्नर पर प्रेजेंट होगा या कॉर्नर के साथ साथ बॉडी में भी प्रेजेंट होगा एक पार्टिकल्स बॉडी में फेस सेंटर यूनिट सेल्स एट कॉर्नर्स सभी कॉर्नर्स के साथ साथ सभी सिक्स फेसेस ऑल सिक्स फेसेस पर ही प्रेजेंट होगा इंड सेंटर्ड यूनिट सेल्स सभी कॉर्नर्स के साथ साथ दो अपोजिट फेस पर प्रेजेंट होगा इस तरह से चार यूनिट सेल मिला प्रीमेटिव बॉडी सेंटर फेस सेंटर एंड इन सेंटर्ड प्रिमिटिव सेल में क्या कहा है कि सभी कॉर्नर्स पे प्रेजेंट रहेगा स्पेस फिलिंग मॉडल है ये स्पेस फिलिंग मॉडल है लैटिस स्टाइल जिसमें से सेल कट करके निकाले हैं कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है पार्टिकल्स जिसको हम लोग पॉइंट से ऐसे दिखाए हैं तो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट रहेगा कॉर्नर्स पे प्रेजेंट रहेगा कॉर्नर्स पे प्रेजेंट रहेगा, रहेगा केवल केवल कॉर्नर्स पे प्रजेंट हैं तो प्रीमिटिव कॉर्नर के अलावा बॉडी में भी प्रेजेंट है कॉर्नर के अलावा बॉडी में भी प्रेजेंट है तो क्या कहलाएगा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कॉर्नर के अलावा बॉडी में भी प्रेजेंट है तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल सभी कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट हैं सभी कॉर्नर्स के अलावा फेस पर भी प्रेजेंट है सभी फेस पर प्रेजेंट हैं फेस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कॉर्नर्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट तो सभी कॉर्नर्स का फेस्टर्ड तो फेटर्ड यूनिट सेल हो गया सभी कॉर्नर्स के अलावा सभी कॉर्नर्स के अलावा अगर दो अपोजिट फेस पर भी प्रेजेंट है तब तो उसको क्या बोलेंगे इनसेंटर्ड सेंटर्ड यूनिट सेल कहेंगे राइट right? तो इस तरह से यूनिट सेल लैटिस का पार्ट है और पार्टिकल्स प्रजेंट के बेसिस पर यूनिट सेल कितने टाइप का हो गया इनसेंटर्ड सेंटर्ड फेस सेंटर्ड बॉडी सेंटर्ड एंड प्रीमेटिव यूनिट सेल हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे जियोमेट्रिक के बेसिस पर सेवन टाइप्स का होता है और टोटल ये चार और सेवन दोनों मिल करके ब्रेवेस का फोर्टीन लैटिस स्ट्रक्चर बनता है जिसको ब्रेवेस लैटिस बोलते हैं और उसके अनुसार से ऐसा माना जाता है कि दुनिया का जितने भी सॉलिड हैं वो इन्हीं किसी न किसी फोर्टीन यूनिट सेल के मिलने से उसका लैटिस स्ट्रक्चर बना होगा अकॉर्डिंग टू ब्रेवेस माइंडेड तो सारा वीडियो देखते रहिए एन बुक थारो पढ़ते रहिए बुक के थ्रू देखिए नोट्स बनाइए क्वेश्चन सब बनाइए जो भी म, डाउट्स होता है वो कमेंट्स में लिखिए और आंसर पाइए शेयर कीजिए थैंक यू